नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने मसाला किचन में। आज हम बना रहे हैं शेजवान सॉस, जो चाइनीज डिश में बहुत इसमें डलती है और बहुत ही इससे टेस्ट भी बढ़ जाता है। तो इसे हम इजीली घर में बनाएं, मार्केट से ज़्यादा अच्छी बिना प्रिजर्वेटिव। चाइनीज शेजवान सॉस बनाएंगे तो इसे महीना डेढ़ महीना हम आराम से रख सकते हैं, और कभी भी आप खाने के साथ भी, जो इंडियन खाना हमारा रहता है, जरा सी आप अगर साइड में रख लेंगे तो चटनी के तौर पर बड़ी मजा आएगी इसके खाने में। तो इसे हम कैसे बनाएं, तो इसके लिए कौन सी मिर्चों को हमें यूज़ करना चाहिए, इस पर डिपेंड करता है कि आप कितना स्पाइसी खाते हैं। इनकेस आप स्पाइसी ज़्यादा खाते हैं तो जो ये नॉर्मल सूखी लाल मिर्च होती हैं उन्हें आप ज़्यादा क्वान्टिटी में लें। जैसे 100 ग्राम आप ये ले लें और 50 ग्राम आप कश्मीरी लाल मिर्च ले लें। जो कश्मीरी लाल मिर्च होती हैं वो तीखी नहीं होती हैं, वो सिर्फ कलर अच्छा देती हैं। तो अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करते हैं तो ये वाली लें और ये वाली कम लें। अगर आपके पास ये मिली नहीं गई, आपके पास सिर्फ यही वाली मिर्च मिल रही है, तो इसमें से आप क्या करेंगे कि आधी मिर्च के दाने आप निकाल देंगे इस तरीके से, जो उसके सीड्स होते हैं जिससे वो तीखी हो जाती हैं, आधी मिर्चों का निकाल देंगे, आधी मिर्च आप नॉर्मल ऐसे ही लेंगे, तो उसको बैलेंस कर देंगे। तो आप फिर थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे तो कलर भी अच्छा आ जाएगा। तो किसी भी तरीके से आप एडजस्ट कर लें। मैंने लिए हैं करीब 50 ग्राम लिए हैं कश्मीरी लाल मिर्च और 25 ग्राम के आसपास लिए हैं मैंने नॉर्मल लाल मिर्च। तो अब हमें इन्हें क्या करना है, या तो हमें 2 से 3 घंटे इसे पूरे अच्छे से पानी में सोक करना है। अगर आपके पास टाइम ना हो तो आप क्या करेंगे, इन्हें पानी में सोक कर देंगे और 15 से 20 मिनट इसे सोक करने दें, और फिर हम 10 मिनट इसे ढककर बॉयल करेंगे तो ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। क्योंकि हमें इसकी जो सॉस बनानी है तो इन मिर्चों को सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो अब हम इसे ढककर रख देते हैं। मिर्ची को हमने आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया है। थोड़ी सॉफ्ट हुई है पर जैसी हमें चाहिए वैसी नहीं हुई है। अब हमने इधर एक कढ़ाई में 1.5 ग्लास पानी डाल दिया है, इसे उबलने देते हैं और मिर्ची की इस तरीके से ये जो है डंठल तोड़ देते हैं और मिर्ची को हम उबलने के लिए रख देते हैं, डाल देते हैं और इसे ढक्कन लगा के करीब 10 मिनट के लिए हम उबालेंगे। अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तभी इसे पीसने में मजा आने आएगा। 10 मिनट हो चुके हैं, ये बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो चुके हैं। मिर्ची का सॉफ्ट होना बहुत ज़रूरी है, ये देखिए काफ़ी सॉफ्ट हो गए हैं। अब इसे इसी पानी में रहने देते हैं 10 मिनट के लिए, गैस बंद कर देते हैं जिससे और थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और ये थोड़े ठंडे भी हो जाएं। और तब तक हम लहसुन और अदरक को, करीब 1/2 कप लहसुन है और 1/4 कप है अदरक, इनको हम चॉप कर देते हैं। न ज़्यादा हमें पेस्ट चाहिए ना ही मोटी मोटी चाहिए, तो चॉप कर लीजिए। कितना बढ़िया ये लहसुन जो है चॉप्ड हुआ है। बस इसी तरीके से अदरक भी चॉप कर लेते हैं। ये देखिए मिर्ची को हम मिक्सर में डाल देते हैं। अब जो ये पानी है इसे अभी हम फैलाएंगे नहीं, जितनी ज़रूरत होगी हम यूज़ करेंगे और इसे हम पीस लेते हैं। ये देखिए हमें बहुत महीन पेस्ट सा चाहिए, तो इसमें थोड़ा सा हमें यही पानी डालना पड़ेगा। ये देखिए तो बहुत ही बढ़िया ये पेस्ट इसका बन चुका है। ये देखिए बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि इसके बीज अलग हैं और उसके जो मिर्ची के छिलके छिलके अलग हैं, बिल्कुल अलग। मैं हाथ नहीं लगा रही क्योंकि बहुत बचा के रखना होता है, फिर ये हाथ जलते हैं, तो बहुत हाथों को बचा के आप आराम से कीजिए। ये देखिए बहुत अच्छे से पिस चुकी हैं क्योंकि हमारी मिर्ची जो है काफ़ी अच्छे से उबली हुई सॉफ्ट थी, और काफ़ी पानी मैंने डाल दिया इसे पीसते टाइम। अभी ये भी पानी लगेगा जब हम मिक्सी में से वॉश करके इसे डालेंगे। तो अब हम बनाना इसका शुरू कर देते हैं। अब हम एक पैन ले रहे हैं, इसमें 1/4 कप के आसपास 4 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला है। इसमें ऑयल जितना अच्छा होगा, हो सकता है हमें ज़रूरत लगे, उतना ही ये जो है इसकी लाइफ बढ़ती है इस सॉस की। तो 4-5 टेबल स्पून आप ऑयल डालें, गैस को मीडियम ही रखें और इसमें डालेंगे हम गार्लिक
और ये जिंजर। मीडियम फ्लेम पे इसे पकाएं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। हल्का सा कलर चेंज करना शुरू हो तब तक पकाना है, बस हल्का सा पकाना है हमें, बहुत ज्यादा नहीं पकाना है। अब हमें ये हाथ बचा के धीरे धीरे ये सारी मिर्च हमें डालनी है। ये जो बचा हुआ पानी है उसे भी हमें मिक्सी में डालना है और इसमें सारा ये मिक्स करके डालना है। अब इसे धीरे धीरे पकाएं मीडियम फ्लेम पे। 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे नमक, 1 चम्मच डालेंगे चीनी और इसे पकाएंगे। इसे जब तक पूरा इसका पानी जो हमने डाला था पीसते समय और जो अभी मिक्सी में से जो डाला था पानी वो सारा सूख जाए, पूरा ऑयल पे आ जाए। हालांकि ऑयल आ गया है साइड से, पर फिर भी हमें इसे और पकाना है जिससे ये ज़्यादा से ज़्यादा दिन चले हमारे साथ। इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए ढक के पकाया था। ये देखें काफ़ी अच्छे से ऑयल आ गया, इसका ऑलमोस्ट जो सारा पानी था वो सूख चुका। अब हम डालेंगे 1/2 टीस्पून सोया सॉस, 3 टेबलस्पून टमेटो केचप, ये इससे इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ेगा। इसमें एक ग्रीन कलर की सेलरी आती है धनिया पत्ते जैसी, वो आप इसमें डाल सकते हैं अगर आपकी तरफ मिलती है। जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ हर जगह नहीं मिलती है, और कहीं मॉल वॉल में कहीं मिल जाती अच्छी शॉप पर, बस जैसे मुझे आज मेरे पास नहीं है। और इसमें 3 टेबलस्पून मैं डाल रही हूँ विनेगर, ये बहुत ज़रूरी डालना है क्योंकि इससे इसमें खटास भी बढ़ेगी और जो है इसकी लाइफ बढ़ेगी। विनेगर जो है इसकी लाइफ बढ़ाएगा। इसे अब थोड़ा सा और पकाएं, फिर से इसे ऑयल पर आने दें। अगर सैलरी आपको मिल जाती है ग्रीन कलर की तो आप उसे बारीक काट के इस वक्त डाल सकते हैं। अब ये फाइनली शेजवान सॉस बिल्कुल तैयार है। इसे आप बहुत जगह यूज कर सकते हैं, शेजवान नूडल्स, शेजवान राइस, बहुत जगह एज अ चटनी भी इसे यूज कर सकते हैं। ये ऑयल पूरा आ गया ऊपर तक, बस काफ़ी। अब गैस बंद कर देते हैं और इसे ठंडा करके हम एक जार में रख दें। इसे 1-1.5 महीना तक आप आराम से यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये ठंडी हो गई तो मैंने इसे साफ जार में रख दिया है। हमेशा जो भी चीज़ आप 1-1.5 महीने के लिए रखते हैं तो उसके लिए खास ध्यान दें जार की, और जार के बाद जो कैप होती है कैप भी बिल्कुल सूखी होनी चाहिए और साफ़ होनी चाहिए। कि जरूरी नहीं है, कई बार हम लोग जार तो साफ कर लेते हैं कैप की तरफ ध्यान नहीं देते, तो अगर कैप इसकी साफ़ नहीं होगी तो ये ज़्यादा नहीं चलेगी। दूसरी चीज़, आप जब भी इसे यूज़ करें तो गीला चम्मच ना यूज़ करें, हमेशा सूखा चम्मच यूज़ करें। तीसरी चीज़, इसके ऊपर आप देखेंगे ये ऊपर से ऑयल आ गया है, ये बहुत ज़रूरी है। अगर ऑयल आ गया तो ये काफ़ी दिन तक चलेगी, बिल्कुल भी खराब नहीं होगी। चाहे आप बाहर भी रख देंगे ना, क्योंकि ठंडा मौसम है इस वक्त, कुछ दिन तो बिल्कुल रख सकते हैं। और 1-1.5 महीना रखना है तो आप बाद में फ्रिज में रख दें। और बहुत जगह आपको ऐसे खाने के साथ भी, जरा सा आपने आधा चम्मच भी खाने के साथ, जिन्हें मिर्च पसंद है, लहसुन और मिर्च, तो उन्हें बड़ा पसंद आएगा। और मार्केट से ज़्यादा अच्छा, हमने अजीनोमोटो पाउडर नहीं डाला, हमने प्रिजर्वेटिव नहीं डाला, कोई कलर यूज़ नहीं किया, क्योंकि मिर्च का ओरिजिनल जो कलर है बहुत ही अच्छा है। और हमें तो लगता है कि हमें कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो हम यूज़ करते हैं हर जगह, हम सब्जियों में कलर लाने के लिए, तो हमें घर की कुटी बनानी चाहिए। मैं तो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है ना घर में बनाती हूँ। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाहर ये लोग कलर यूज़ करते हैं, मिर्ची अच्छी ना लेके उसमें कलर यूज़ करते हैं। तो एटलीस्ट हम डेली वाली ना सही, लेकिन जो कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो हम कलर की वजह से यूज़ करते हैं वो हमें घर में बनानी चाहिए। तो यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसका फीडबैक जरूर देंगे और लाइक जरूर करेंगे, शेयर जरूर कीजिए और इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें।